तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू G-Centrick। तो आज से हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसके बेसिक इंट्रोडक्शन आपने शायद देख लिया होगा, सब्जेक्ट का ओवरव्यू समझा होगा पिछले लेक्चर को देखते हुए। तो अब इस लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे ओपन चैनल फ्लो को समझने की। ओपन चैनल फ्लो होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था, और अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो भी आप यहां से कंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर द ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो का ये पहला लेक्चर रहेगा। एकदम जो बॉटम मोस्ट लेवल है हम वहां से शुरू करेंगे। और जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल अभी तक, तो भी इस सब्जेक्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कंसेप्ट यूज होंगे यहां पर, वो सारे कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो इनकेस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है और वो डायरेक्टली इस ओपन चैनल फ्लो को पढ़ना चाह रहा है, तो वो पढ़ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसको। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करूंगा मैं ओपन चैनल फ्लो की। आज हमारा पहला लेक्चर है, तो जरा इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें ले। ओपन चैनल फ्लो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये जो टॉपिक है ये गेट के सिलेबस के हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है, लेकिन इसको एज अ सब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं आप अलग से, क्योंकि इसका वेटेज जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारे सिविल में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट वाला एक सब्जेक्ट हो गया, स्टील स्ट्रक्चर्स हो गया, इन सब के वेटेज कितने होते हैं? 3, 4, 5 नंबर के। कहीं कहीं ऑन एन एवरेज उसका वेटेज भी आपको वही मिलता है, 3 से 4 नंबर का। इस ओपन चैनल फ्लो का मिनिमम एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसके अलावा किस्मत रही तो इससे ज्यादा का भी मिलेगा। खैर, तो ये ओपन चैनल फ्लो, इसकी बात करना चालू करेंगे हम। जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे इस चीज को। जरा इस ओपन चैनल फ्लो, इस टॉपिक के नाम को देखिए। इसको मैं हिंदी भाषा में जो बोलते थे संधि विच्छेद, तो जरा इसका संधि विच्छेद करें तो ये बन रहा है मेरे पास ओपन चैनल प्लस फ्लो, यही ना बना? तो मुझे 2 टर्म्स मिले यहां पर। एक तो मिला ये ओपन चैनल और दूसरा मिला मुझे ये फ्लो। फ्लो का मतलब हिंदी में तो पता है ना हमको, बहना। अभी सिर्फ हिंदी का मतलब जानना चाह रहा हूं मैं, बाकी फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो क्या होता है वो बताऊंगा आपको मैं, कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बात करेंगे हम। लेकिन हां, फ्लो का मतलब अगर मैं डिक्शनरी पलटाऊंगा तो फ्लो का मतलब तो मुझे यही मिलेगा कि कोई भी चीज जो बह रही है, दैट इज द फ्लो। ठीक है, तो ये एक नया चीज दिखा मुझे ओपन चैनल। इस फ्लो का मतलब समझेंगे। ये 2 टर्म्स मुझे मिले यहां पर, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माय सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इस ओपन चैनल का क्या मतलब है और इस फ्लो का क्या मतलब है, एक एक करके जरा समझेंगे इन बातों को। अभी फिलहाल में मैं बात करूंगा ओपन चैनल के मतलब की। एक बार ओपन चैनल का मतलब मुझे समझ में आ गया, फिर बहा देंगे इसके अंदर में पानी। इस ओपन चैनल में जो फ्लो होगा वो सिर्फ एक ही फ्लूइड है मेरे पास अब, पानी। इसके अलावा किसी फ्लूइड की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा। बाकी सारे फ्लूइड्स की बात आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में कर रखी है। आपने वहां पे मर्क्यूरी को भी पढ़ा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नापी, प्रेशर मेजरमेंट भी किया, सब कुछ किया है आपने वहां पर अलग अलग फ्लूइड्स के लिए। ऑयल देखा आपने वहां पर अलग अलग प्रकार के, मर्क्यूरी को देखा, पानी को देखा, कुछ गैसेस को भी समझा, वो वहां पर खत्म। यहां पर मेरे लिए फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो इस ओपन चैनल के मतलब को समझेंगे। एक बार ओपन चैनल समझ में आ गया मुझे कि ओपन चैनल है क्या एक्चुअल में, उसके बाद इसके अंदर में पानी बहा देंगे तो वो फ्लो बन जाएगा, है ना। तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन चैनल, कि ये ओपन चैनल होता क्या है। ठीक है, चलिए एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और इस ओपन चैनल का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे जरा देखिएगा, मजा आएगा आपको। ओपन चैनल का मतलब क्या होता है जरा देखेंगे ध्यान से। चलिए, अभी ओपन चैनल मुझे पता ही नहीं क्या होता है। मुझे तो एक ही चीज पता है कि जो मेरा फ्लूइड है, अभी मेरे लिए फ्लूइड का मतलब पानी, जो पानी है वो पानी पाइप के अंदर में फ्लो कर रहा है, मुझे तो यही पता है भैया अभी तक। मुझे तो ओपन चैनल नाम की कोई बात पता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक बात पता है कि जो मेरा पानी है, मेरे घर में जो पानी आ रहा है वो एक पाइप के थ्रू आ रहा है। ऐसी कुछ पाइप है भैया, है ना, ये पाइप का सेक्शन है। अब ये अगर आपको समझ में लग रहा हो कि सर ये पत्ती अत्ती क्या बना दी आपने कोने में, तो इस पाइप को ऐसे भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना, ऐसी भी बना सकते हो। वो तो मैंने एक सेक्शन लिया है इसलिए ऐसा दिखा रहा हूं आपको, ऐसा भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये पाइप, अभी तो मुझे सिर्फ यही पता है भैया, मैंने जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा उसमें तो मेरे को यही पता था कि पानी जो है या कोई भी फ्लूइड है वो पाइप के अंदर में ही फ्लो होता है, ठीक है। चलो, पाइप के अंदर में ही कराते हैं। ये पाइप के अंदर में सपोज करिए दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है मेरी, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। चलिए, अब इस पाइप के अंदर में फ्लो हो रहा है पानी का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये फ्लो का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में पानी इस पाइप के अंदर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये पाइप का एरिया वगैरह मुझे पता है, सब कुछ पता है मुझे, ठीक। जब ये पानी इस पाइप के अंदर से फ्लो करेगा तो देखिए भैया ये पानी की लेयर्स होंगी इसके अंदर में, जरा देखिएगा, ऐसे ही ना फ्लो होगा, यही पानी फ्लो हो रहा है मेरा। चलो भाई, ये भी समझ में आया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको टेक्निकल वे में भी बताऊंगा और नॉन टेक्निकल वे में भी बताऊंगा। ये पानी की नंबर ऑफ लेयर्स होंगी जो इस पाइप के अंदर में से फ्लो करके, और ये पानी यहां पर बाहर निकल रहा होगा मेरा। जब ये पानी पाइप के अंदर में था तो पाइप को मैं बोल सकता हूं अ कवर्ड सरफेस, पाइप को मैं एक कवर्ड सरफेस बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक बात पे, ये जब पानी इस पाइप के अंदर में से फ्लो कर रहा होगा, अलग अलग लेयर्स मुझे दिख रही हैं यहां पर पानी की। चलिए जरा इन लेयर्स को कुछ नाम देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेयर्स मुझे यहां पर दिख रही हैं। एक्चुअल में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होंगी, लेकिन यहां पर जो चित्र मैंने बनाया है उसमें 7 लेयर्स मुझे दिख रही हैं। तो ऐसा इसलिए मैंने बताया, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग ज्यादा दिमाग लगा लेंगे और सोचेंगे कि 7 लेयर में ही पानी फ्लो होता है। नहीं, ऐसे ही बना दिया था डायग्राम तो 7 लेयर दिख रही है मुझे यहां पे। अब जरा गौर करिएगा, ये वाली जो लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं मैं, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है और ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इन दो लेयर पे गौर करिएगा। ये दोनों लेयर क्या पाइप के सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, हाँ या ना? इसके ऊपर तो कोई लेयर नहीं है ना, तो दिस लेयर इज इन कॉन्टैक्ट, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द पाइप सरफेस, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये भी पाइप सरफेस के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। बोलो भैया हाँ या ना, है ना। अब अगर ये दोनों लेयर पाइप के सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, भले इस पाइप के अंदर में से पानी बह रहा है, लेकिन पाइप तो वही है ना, पाइप थोड़ी मूव कर रही है, पाइप तो वही है, मतलब पाइप इज स्टेशनरी, और उस स्टेशनरी पाइप के अंदर में से पानी फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो ये जो पानी की टॉप मोस्ट लेयर है और ये वाली लेयर जो बॉटम मोस्ट लेयर है, ये पाइप के सरफेस के कांटेक्ट में है, और अगर पाइप मूव नहीं कर रही है तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये जो लेयर होगी ये लेयर भी मूव नहीं करेगी? ऐसा अज्यूम करता हूं मैं। द लेयर विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पाइप विल रिमेन एज द पाइप वॉज, जैसी पाइप थी वैसे ही रहने की कोशिश करेगी लेयर भी, तो लेयर मूव नहीं करेगी। ये नीचे वाली लेयर के साथ भी यही काम होने वाला है, नीचे वाली लेयर भी मूव नहीं करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्यों बताया मैंने? ये बातें आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी होंगी थोड़े से टेक्निकल तरीके से, जब आपने पाइप के अंदर में लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा होगा, आपने हेगन-पॉजलिन इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना, कुटीज फ्लो पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं अभी, मैं तो एकदम बेसिक लेवल पे आपको बात बता रहा हूं। तो अब देखिएगा जरा हो क्या रहा है। ये पाइप का सरफेस था, ये मेरा हाथ जो है ये पाइप का सरफेस था, और ये जो दूसरा हाथ है ये फ्लो था पानी का। तो इस पानी की जो टॉपमोस्ट लेयर होगी, जो इस पाइप के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होगी, वो तो रेस्ट पे ही रहेगी ना भैया, क्योंकि पाइप रेस्ट पे है, हाँ, लेकिन इसके जो नीचे वाली लेयर है, लेयर नंबर 2, वो मूव करेगी, वो मूव करेगी, पक्की बात है। लेयर नंबर 3 भी मूव करेगी, 4 भी मूव करेगी, 5 भी करेगी, 6 भी करेगी, लेकिन 7 नहीं करेगी फिर से। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेयर 1 तो रेस्ट पे है, लेकिन लेयर 2 मूव कर रही है। जरा देखेंगे इन दोनों हाथ को, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। लेयर 1 पाइप के कांटेक्ट में थी ऊपर की तरफ से, तो ये तो पाइप की जैसे स्टेशनरी हो जाएगी, लेकिन जो लेयर 2 है वो मूव करेगी ऐसे। ये मूव करी भैया, करी ना? और अगर ये ऐसे मूव करी तो ये क्या है? दिस इज द शीयर। शीयर जनरेट होगा, यहां पर शीयर स्ट्रेस आएगा। कभी भी पाइप के अंदर में अगर फ्लो हो रहा है तो शीयर स्ट्रेस आएगा, बिकॉज ऊपर जो लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है, वो जो पाइप के कांटेक्ट में वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर रही है, उसके नीचे वाली लेयर मूव कर रही है, तो देयर विल बी अ शीयर, वहां पे एक शीयर आएगा। क्लियर हुई बात? और वो शीयर आपने कैलकुलेट किया होगा, हालांकि ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। आपने एक शीयर कैलकुलेट किया होगा लैमिनार फ्लो के लिए कुछ इस तरीके से, दिस वाज द वैल्यू ऑफ द शीयर व्हेन द फ्लो वाज लैमिनार और पाइप के अंदर में था। ऐसा एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा वहां पे, हेगन-पोजलीस का इक्वेशन। खैर, मैं इन सब इक्वेशंस पे नहीं जाना चाह रहा हूं, ना ही हमको यहां पर इस टाइप के इक्वेशन की कोई बात करनी है। मैंने तो आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया कि पाइप के अंदर में शीयर जनरेट हो रहा है, पक्की बात है, होगा। लेकिन मान लो मैंने यहां पर एक ऐसा सरफेस था, एक ऐसी चीज के अंदर में मैं फ्लो करा रहा था जिसके ऊपर का टॉप सरफेस था वो नहीं था, मतलब द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? हमारे घर के बगल में जो नाली है, जो नाला है, क्या वो ऊपर से ढका हुआ है? नहीं ना, वो तो ओपन है ना एटमोस्फियर पे, दैट इज ओपन टू द एटमोस्फियर ना। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो ऊपर वाली लेयर है, अब क्या इस ऊपर वाली लेयर पे कोई शीयर आएगा? ऊपर वाली लेयर पे कोई शीयर आएगा क्या? इससे पहले तो आ रहा था ना, क्योंकि जो पाइप का सरफेस था वो स्टेशनरी था, नीचे वाली लेयर के अंदर में से रगड़ आएगी, लेकिन इस लेयर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, हवा है यहां पे, तो क्या इसके ऊपर में शीयर आएगा? नहीं आएगा, इसके ऊपर में शीयर नहीं आएगा। यहीं से कंसेप्ट जनरेट होता है ओपन चैनल का, यहीं से कंसेप्ट जनरेट होता है ओपन चैनल का। क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ओपन चैनल, अभी फ्लो की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ ओपन चैनल का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो ओपन चैनल को बोला जाता है अ चैनल। चैनल मतलब वाटर बॉडी, हर वो चीज जो अपने साथ पानी को लेके चलती है आगे, वो चैनल होता है। नदी, नाला, तालाब, झील, समुद्र, नहर, ये सब चैनल्स हैं। तो ओपन चैनल का डेफिनेशन देखिएगा, द चैनल which is having a free surface, The channel which is having a free surface is known as open channel। नहीं समझ में आई होगी डेफिनेशन आपको ये, अभी पूरी उम्मीद है मुझे कि ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आई होगी, और आएगी भी नहीं अभी, क्योंकि इसमें एक नया टर्म मिला मुझे फ्री सरफेस का, जो मुझे नहीं पता है क्या होता है। तो जरा इसको समझते हैं, फ्री सरफेस का मतलब। तो जरा देखिएगा, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है एक लाइन की, इसमें मुझे दो टर्म्स पे गौर करना है, एक तो ये चैनल और दूसरा ये फ्री सरफेस। इन दो बातों पे गौर करना है मुझे। तो चैनल का मतलब तो मैंने सीधा सिंपल सा आपको बोल दिया कि चैनल जो शब्द है, दैट इज मींस अ बॉडी कैरिंग वाटर, अ बॉडी विच कैरीज वाटर, बॉडी विच कैरी वाटर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये फ्री सरफेस मुझे समझना है कि ये फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है। जो नेक्स्ट टर्म मुझे यहां पर दिखा है, दैट इज फ्री सरफेस, अभी इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, फिर इस फ्री सरफेस का मतलब आपको समझाऊंगा। ये फ्री सरफेस की डेफिनेशन क्या है? तो फ्री सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस ओवर विच ओनली नॉर्मल स्ट्रेस बोल दीजिए या प्रेशर बोल दीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स एंड shear stress is zero, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और shear stress जीरो है, उसको मैं फ्री सरफेस कहता हूं। अब ये क्या है सर? ये डेफिनेशन तो लिख दी, लेकिन इसका मतलब भी तो बताओ क्या है। ये क्या मतलब है कि भाई एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और शियर स्ट्रेस जीरो है, इसका मतलब क्या है? जरा देखिएगा क्या मतलब है इसका। अगली स्क्रीन पे इस फ्री सरफेस का मतलब देखते हैं, सो दैट हमको इस ओपन चैनल की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। चलिए जरा लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री सरफेस। चलिए, ये भैया एक पाइप है, सपोज करिए दिस इज अ पाइप, ये एक पाइप है, एक पाइप का सेक्शन लिया मैंने यहां पर, ठीक है भैया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ है। ये एक पाइप है, एल लेंथ की पाइप है, सपोज करिए एल लेंथ की पाइप है, ये इसका एक्सेस है एंड द रेडियस ऑफ दिस पाइप इज आर। इस पाइप का रेडियस आर है। इस पाइप के अंदर में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड मतलब पानी मेरे लिए, इस पाइप के अंदर में पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज द फ्लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आपने पाइप फ्लो पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं इतना बता दे रहा हूं कि अगर इस पाइप के अंदर में लेमिनार फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे सेंटर पे मिलती है। अगर इस पाइप के अंदर में लेमिनार फ्लो हो रहा है तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे मिलती है, और सेंटर से जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा, एक सिंपल सी बात सोचो ना यार, जो लेयर यहां पर होगी, एक लेयर ये है पानी की, एक लेयर सबसे ऊपर है और एक लेयर ये सबसे नीचे है। जरा ध्यान से सुनेंगे अब इस बात को। जो लेयर इस पाइप के कांटेक्ट में होगी, भाई पानी की प्रॉपर्टी क्या है? पानी चाहता है कि मैं फ्लो करूं, पानी चाहता है कि मैं बहूं, मैं फ्लो करूं, लेकिन ये जो टॉप मोस्ट लेयर है या ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है ये नहीं फ्लो कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट लेयर एक ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में है जो कि रेस्ट पे था। वो कौन सा सरफेस है? पाइप का ये जो टॉप सरफेस है ये तो रेस्ट पे है ना भैया। तो पानी की ये लेयर जो इस पाइप के टॉप सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, या पानी की वो लेयर जो इस पाइप के बॉटम सरफेस के कांटेक्ट में है, क्या मैं बोल सकता हूं ये फ्लो नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में है जो कि स्टेशनरी है। पानी का तो मन था ना भैया फ्लो करने का, लेकिन ये ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर फ्लो नहीं कर पा रही है, मतलब इनको फ्लो में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस मिल रहा था। दे वे आर गेटिंग द मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो। अगर वो थोड़ा बहुत भी फ्लो कर पाती तो मैं बोलता कि रेसिस्टेंस थोड़ा सा कम था, लेकिन अगर ये जरा भी फ्लो नहीं कर रही है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ऊपर वाली लेयर और सबसे नीचे वाली लेयर पे मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिल रहा है मुझे। और ये रेसिस्टेंस कौन दे रहा है? ये रेसिस्टेंस दे रहा है पाइप का टॉप और बॉटम का सरफेस, और यही रेसिस्टेंस तो शियर स्ट्रेस के रूप में दिखता है मुझे। तो जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आप पाइप में पढ़ेंगे वो कुछ ऐसा होता है, जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आप पढ़ेंगे पाइप में, ये सपोज करिए मेरी एक्सेस है, तो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट द टॉप एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट द बॉटम, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एंड दिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाय टू। मत सोचना क्या लिख दिया ये आपको, अभी ओपन चैनल फ्लो में तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, मैंने सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए आपको बताया है कि पाइप के अंदर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मुझे यहां पर मिल रहा है, और मिनिमम शियर स्ट्रेस मुझे सेंटर पे मिल रहा है। सेंटर से जैसे ही मैं ऊपर की तरफ या सेंटर से जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाऊंगा मुझे शियर स्ट्रेस चालू हो जाएगा मिलना, शियर स्ट्रेस मिलना चालू हो जाएगा। अब अगर शियर स्ट्रेस मिल रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके पास कोई भी फ्री सरफेस नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी फ्री सरफेस विथ इट, कोई भी फ्री सरफेस इसके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा दिमाग में आ रहा है कि सर ये जो सेंटर पे लेयर है उसके ऊपर तो शियर स्ट्रेस जीरो है तो ये तो फ्री सरफेस कहलाएगा ना, मेरे भाई इसके ऊपर में इस लेयर के ऊपर में शियर स्ट्रेस जीरो था, लेकिन इस लेयर के ऊपर में जो दूसरी लेयर आगे मूव कर रही थी वो तो शियर वाली थी, इसके ऊपर की जो लेयर होगी उसके पास तो शियर होगा, तो यहां पर कोई भी फ्री सरफेस मेरे पास नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरा चैनल कुछ ऐसा होता, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, अगर मेरा चैनल कुछ ऐसा होता और इसमें ये पानी का टॉप सरफेस होता। अगर आप देखें इस चैनल को जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है, इस चैनल को अगर आप देखें तो ये जो टॉप सरफेस है पानी का, ये जो पानी का टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस के ऊपर में तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा। बोलो भैया, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि आप देखो ना भैया, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर आपको दिख रही है यहां पर, क्या इस लेयर के ऊपर कोई दूसरा सरफेस है जो इसके फ्लो को अपोज करेगा? नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं इस लेयर के ऊपर में, ये टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर में जो शियर है वो जीरो है, टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर में शियर जीरो है, क्योंकि इस लेयर को अपोज करने वाला ऊपर की तरफ में कोई भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अ फ्री सरफेस, दिस इज अ फ्री सरफेस, क्योंकि इसके ऊपर में नॉर्मल डायरेक्शन से एक प्रेशर दिख रहा है मुझे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 90 डिग्री पे लगेगा ये। नॉर्मल डायरेक्शन से तो एक प्रेशर लग रहा है इस सरफेस पे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन शीयर नहीं है इसके ऊपर में, सो दिस इज अ फ्री सरफेस। तो अगर मेरा चैनल ओपन है तो इट विल बी हैविंग अ फ्री सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आता है और शीयर नहीं होता है, दैट इज अ फ्री सरफेस। ओपन चैनल की एक और डेफिनेशन, एक और तरीके से डेफिनेशन बोली जा सकती है कि ओपन चैनल को अगर मैं फिर से डिफाइन करना चाहूं एक सिंपल भाषा में, अ चैनल हुज टॉप सरफेस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with atmosphere, a channel whose top surface is in direct contact with the atmosphere, that is known as open channel। और क्योंकि इसका top surface directly atmosphere के contact में है तो मैं बोल सकता हूं उस surface के ऊपर में सिर्फ normal stress आ रहा होगा और shear zero होगा। Therefore this is a open channel and this is not a open channel। Pipe flow कभी भी open channel नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे चैनल का टॉप सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा तो मैं बोल सकता हूं दैट इज अ केस ऑफ अ ओपन चैनल, वो ओपन चैनल का एक केस रहेगा। तो मुझे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में इस चैनल के बारे में बात करनी है। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस चैनल। ये ओपन चैनल फ्लो पाइप फ्लो से कैसे डिफर कर रहा है ये भी समझेंगे हम। हाउ दिस ओपन चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम पाइप फ्लो ये भी समझेंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल में तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन है इस ओपन चैनल का मतलब समझने का। तो ओपन चैनल का एक बेसिक आइडिया मुझे समझ में आया कि एक ऐसा चैनल जिसका टॉप सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं एक ऐसा चैनल जिसके पास एक फ्री सरफेस है। तीसरे तरीके से भी बोल सकते हैं एक ऐसा चैनल जिसके टॉप सरफेस पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और शीयर जीरो है, दैट इज अ ओपन चैनल। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो ओपन चैनल की मुझे दो तीन तरीके से डेफिनेशन देखने को मिली। इस ओपन चैनल की मुझे दो तीन तरीके से डेफिनेशन देखने को मिली। पहला, चैनल हैविंग अ फ्री सरफेस, चैनल हैविंग अ फ्री सरफेस, और इस फ्री सरफेस का मतलब भी मुझे समझ में आया कि फ्री सरफेस का मतलब होता है ओवर विच ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स एंड shear stress is zero, shear stress is zero। ये होता है फ्री सरफेस। एक डेफिनेशन तो ये मिली। दूसरी डेफिनेशन मुझे मिली, अ चैनल whose top surface is in direct contact with atmosphere। दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन भी मिल जाएगी भैया। थर्ड डेफिनेशन, चैनल इन विच ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM लिख दिया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्ट्स ऑन टॉप सरफेस एंड शीयर स्ट्रेस इज जीरो एट टॉप सरफेस। इतनी सारी डेफिनेशन है भैया, आपको जो मन आए आप वो बोलिएगा। ये तो देखिए अभी शुरुआत है, अभी तो हम इस ओपन चैनल के अंदर घुसेंगे, अभी तो एकदम डीप तक। ये तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको कि ये है क्या एक्चुअल में। अभी तो बहुत सारी बातें इसमें होनी है, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी, सब कुछ होगा। तो ओपन चैनल क्या है ये आपको समझ में आ गया। हाँ, ये ओपन चैनल पाइप के कंपैरिजन में किस तरीके से डिफर करता है, पाइप और ओपन चैनल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो बातें भी हम करेंगे, वो बातें भी होंगी आपके साथ, लेकिन समय आने पर। अभी फिलहाल में द मीनिंग ऑफ ओपन चैनल क्लियर टू एवरीवन। सारे सभी आप सभी लोगों को इस ओपन चैनल का मतलब समझ में आ गया। अगर ये मतलब समझ में आ गया तो ओपन चैनल के टाइप्स देखते हैं, कितने प्रकार के ओपन चैनल हो सकते हैं। ठीक है, ओपन चैनल कितने प्रकार के होंगे, और उन जितने भी प्रकार के ओपन चैनल्स हम पढ़ेंगे उसमें और क्या क्या बातें देखनी है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी ऑफ ओपन चैनल्स, ओपन चैनल की कैटेगरी क्या है, ओपन चैनल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी फ्लो नहीं कराया है मैंने इसके अंदर में, अभी फ्लो की बात तो दिमाग में लाइएगा ही नहीं आप, अभी तो सिर्फ ओपन चैनल का मतलब समझिएगा, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे फिर से, तो वहां पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल की। तो आई होप आपको ये लेक्चर में एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि ओपन चैनल जिसको मैं पढ़ने वाला हूं आगे, उसका मतलब क्या होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं और इस ओपन चैनल का क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू।